कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से बिहार महागठबंधन की सरकार से महरूम रह गया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हैं। अनवर साहब, सच है ये? बिल्कुल सच है और सच्चाई को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और आने वाले समय में उन तमाम चीज़ों का गहन अध्ययन किया जाएगा कि कहाँ कमी रह गई, किस वजह से इतना कमज़ोर प्रदर्शन रहा, क्योंकि पिछली बार हम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। 41 में हम लोग 27 सीट जीते थे और इस बार 70 में 19 मात्र जीत पाए। तो ये बात तो सच्चाई है कि अगर थोड़ा सा हमारा बेहतर प्रदर्शन होता, परफॉर्मेंस बेहतर होता, तो हमारी सरकार आज होती महागठबंधन की सरकार होती। मतलब राजद के नेता भी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। देखिए, जो हकीकत है उनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक गए और उस बात को देखना पड़ेगा। और अभी हमारे पार्लियामेंट के चुनाव में करीब 3.5 साल बचा है, तो इस 3.5 साल का जो वक्फा हमको मिला है, समय मिला है, उसमें उन कमियों को दूर करना चाहिए। 70 सीटों पर अड़ना, 70 सीटें ले लेना, पहली गलती वही थी? नहीं, गलती नहीं थी। देखिए, 70 सीट मिला, अच्छी बात है और इसके लिए हम राजद को धन्यवाद देंगे, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के चयन में कहीं कमी रही है, हमारे चुनाव अभियान में कमी रही, जिस तरह के लोगों को हमको इस्तेमाल करना था हम नहीं कर पाए, ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन अभी हम किसी नतीजे पर फौरन तो पहुंच नहीं सकते हैं जब तक बैठकर उस पर बाज़ाब्ता चिंतन न किया जाए। मतलब जिन लोगों के हाथों में कमान थी, जो वरिष्ठ लोग जो दिल्ली से या आला कमान से जो यहाँ आए थे, उनसे प्लानिंग के स्तर पर गड़बड़ी हुई? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, चाहे किसी स्तर पर हुई हो। तो जब हम उसको ओवरऑल उसका जायज़ा लेंगे तभी जाकर पता चलेगा। हम अपने उम्मीदवारों से पूछेंगे, हम अपनी ज़िला कांग्रेस कमेटी से इस बात पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि हमको इतना कम सीट आई। नहीं, प्राइमरीली क्या आपको लगता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वर्षों से दशकों से बिहार के नब्ज़ को आप जानते हैं, क्या उम्मीदवारों के चयन में कुछ खेल हुआ जो खेल बिहार में होते रहता है? नहीं, अब वो सारी चीज़ें जिसको कहते हैं ना कि अभी फौरन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है, हमको ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा फेलियर है। अब वो किस स्तर पर है, जैसा मैंने शुरू में कहा आपको कि उम्मीदवारों के चयन में कहीं कमी रह गई या हमारे चुनाव अभियान में कमी रह गई, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा और उसको सुधार करना पड़ेगा। कोई रिपोर्ट भेजेंगे राहुल गांधी या सोनिया गांधी तक? ज़रूर, हम बातचीत तो करेंगे ही और बिहार की तमाम स्थिति से हाईकमांड को अवगत कराएंगे। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि बिहार में MIM की एंट्री बेहद ख़तरनाक है, एक सीट पर उपचुनाव जीते थे, इस बार 5 सीटें जीत गए। बिल्कुल, देखिए, MIM ने वहाँ सेंध लगाया है जहाँ कांग्रेस क्या की स्थिति बहुत मजबूत थी, यानी सीमांचल में, और शायद यही एक कारण था, एक बहुत बड़ा कारण है। या तो हम लोगों ने उनको आंकने में कमी महसूस की या कहीं ना कहीं कमी रह गई, क्योंकि ये बात जो मैंने कहा है कि MIM के आना बिहार के अंदर, ये बहुत ही चिंता का विषय है, सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि MIM की जो राजनीति है वो एक अलग राजनीति है। तो एक समुदाय को लेकर वो चल रहे हैं और एक समुदाय विशेष के बीच में काम कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा यकीनन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उसको मिल रहा है। तो ये कांग्रेस जब कमज़ोर होती है जहां भी, तो उसका फ़ायदा
ऐसी जमातों को मिलता है, मिलता है। चलिए, लेकिन बहुत बड़ी बात और महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन का मामला हो या फिर चुनाव अभियान का मामला हो, कमज़ोर स्थिति की वजह से बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। जो कल तक सिर्फ चर्चा थी, वो आज ये कांग्रेस की स्वीकारोक्ति है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब की स्वीकारोक्ति है कि बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।